ध्यान का अर्थ है ध्येय के विषय में मन का एक तार चलना। योग के संदर्भ में ध्येय के विषय में ईश्वर है, अतः ईश्वर के बारे में बार बार सोचना पर मन का ईश्वर में एक तार चलना, अन्य कोई भी विचार मन में उत्पन्न नहीं होना ही ध्यान है। योग पद्धति के तीसरे क्रम में मनन का अभ्यास करने पर जब मन के समस्त द्वंद शांत हो जाते हैं, विषय भोगों में अनासक्ति, कामना, ममता, ये मेरा है ये तेरा है का अभाव हो जाने पर मन एकाग्र हो जाता है। शास्त्रों के विवेक वैराग्य पूर्वक अभ्यास करने से साधक की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है और उसे सूक्ष्माति सूक्ष्म परम तत्व के ग्रहण के अनुभव की योग्यता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उसके मन के सारे अवगुण नष्ट हो जाते हैं और सद्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। उसके मन में ये दृढ़ विश्वास निश्चय हो जाता है कि संसार के सारे पदार्थ माया मोह का कार्य होने से अनित्य है, अर्थात वे ही नहीं एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। सब कार्य करते हुए भी उसे यह अनुभव होता है कि यह काम मैं नहीं कर रहा हूं, मैं शरीर से पृथक कोई और हूं। और इस प्रकार मन में कर्तापन का भाव जो है उसका अभाव हो जाता है परमात्मा के स्वरूप में ही। इस प्रकार के जब गाढ़ स्थिति बन जाती है, जिसके कारण कभी कभी तो शरीर और संसार का विस्मरण हो जाता है और एक अपूर्व आनंद का अनुभव सा होता है, तो इसे ही ध्यान कहते हैं। इसे विषय समय में मन एक तार चलता होता है। ध्यान कोई विलक्षण क्रिया नहीं है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन केवल ध्यान ही करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आप इस समय कितने प्रकार की आवाज सुन रहे हो, तो निश्चित रूप में उसका उत्तर होगा पता नहीं। क्यों? क्योंकि और वह अपने इतना ही तल्लीन होता है कि उसे यह पता ही नहीं होता कि कितने प्रकार की ध्वनियां उसके कानों से टकरा कर जा रही है। इसी तो ध्यान कहते हैं। योग के संदर्भ में वह कार्य वह लक्ष्य ईश्वर है जिसका ध्यान करते सारे संसार का विस्मरण हो जाता है। मन और ईश्वर में लगाने पर, ईश्वर के सगुण या निर्गुण स्वरूप का ध्यान करने पर जब संसार का विस्मरण हो जाए और अपने शरीर का अनुभव भी बंद हो जाए, तो एक दिव्य तेज सा ईश्वर का धुंधला सा सगुण रूप या शून्यता का अनुभव होने लगे, तो उसे ध्यान के द्वारा प्राप्त आत्मबोध या ईश्वर साक्षात्कार की प्रथम अवस्था समझना चाहिए। साधक शिष्य चाहे किसी भी मार्ग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग, कोई भी मार्ग हो सकता है, किसी भी मार्ग से वो चल सकता है और चलने से ध्यान करना ही पड़ता है, क्योंकि सभी मार्ग का सार ईश्वर का सदा स्मरण करते रहना ही है। और यह नियम है कि जिस जिस वस्तु में बारंबार स्मरण किया जाता है उसमें मन एक तार ही चलता है और उसी वस्तु का अनुभव होता है। इसलिए ईश्वर का बारंबार स्मरण करने पर, ईश्वर में
ही मन एक तार चलने लगता है जिसे ध्यान कहते हैं। और लंबे समय तक ध्यान करने से ईश्वर का अनुभव समाधि के द्वारा अवश्य ही होता है। गुरु के सानिध्य में जब शिष्य ध्यान करता है तो ध्यान के दौरान होने वाले अनुभव में विषय में गुरु से विचार विमर्श करके वह अपनी साधना को आगे बढ़ाता है। उस साधना को आगे बढ़ाते बढ़ाते और सफलतापूर्वक समाधि पर पहुंच जाता है। परंतु जो साधक बिना गुरु के या ईश्वर को ही अपना गुरु मानकर अपनी साधना कर रहे हैं, उन्हें इन विषय इन दिव्य अनुभवों के विषय में प्रमाण कम मिलता है या नहीं मिलता, जिनके कारण वे घबरा कर साधना छोड़ देते हैं। इस प्रकार के साधक की सुविधा के लिए अनेक प्रकार के ग्रंथों का निर्माण हो और उस ग्रंथों के प्रमाण एवं अनेक संतों के व्यक्तिगत अनुभव को लेकर उन्हें प्रथम स्थान पर एकत्रित कर ये लिखा गया है, ये ग्रंथ बनाए गए हैं, जिससे कि साधक अपनी साधना के बीच न छोड़े, वो रुक न जाए, वो आगे बढ़ता रहे, शास्त्रोक्त विधियों को अपनाकर वो साधना में आने वाले विघ्न एवं बाधाओं से लड़कर पार कर कर उन उपायों को जानकर ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। ध्यान से निरंतर मिलने वाली ईश्वरीय दिव्य चेतना, दिव्य औरा, तेज पुंज और जो शांति का अनुभव होता है वो पंच तत्व में नहीं होता, पंच तत्व के बाहर की कोई चीज़ उसको मिल रही होती है और वो धीरे धीरे समाधि अवस्था में पहुंच जाता है। जो आत्मा को चाहिए वो उसे मिल जाता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।